गाइस आज है पहला दिन हमारा गोवा का। हम इस समय नॉर्थ गोवा में, डेट है आज 5 फरवरी, शाम का टाइम हो चुका है। बाकी सुबह से अब तक का दिन तो बीत गया सिर्फ खाना पीना और होटल में सेट होना। तो ये हमने गाड़ी ले ली है बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसमें हम निकले हैं अब घूमने। और अगले भैया में हवा कम है, 5:30 बजे अभी हवा कम है अगले भैया। तो भैया पहले हवा भरवा लो। ये कुत्ता खड़ा है बीच में कुत्ता तो खड़ा है लेकिन इसको व्लॉग में लेना नहीं है ना। अरे एक बार मैं मुंबई गया था तो भाई साहब जिस दिन मैं गया उस दिन तो सितारों की दुकानें बंद, और जिस दिन मेरा वापसी आने का टाइम था ना उसी दिन वो स्ट्राइक खुली थी और उसी दिन वो ये लो सामने से ले आओ। मैं ऐसे भी होता है, ब्रांड देख लो। रात के लिए एक ब्लेंडर की बोतल ले लो, बस रात के लिए ब्लेंडर की बोतल ले ले। ये हो गई बडवाइजर आपकी, एक नया ब्रांड जो है ओल्ड ओक, और एक बीरा वाइट हो गई 1130 रुपये। ये एक नया टेक्निक देखो जी पोर्टल खोलने का, ये गोली की तरह खुली है पहले ठेके में ही काम करती थी एक के बाद एक ये ना सक्सेस रेशियो 100%। तो गाइस पहला बीच जो है हमारा है ये अंजना बीच, और जस्ट अभी हमने की है गाड़ी पार्क और निकल रहे हैं हम अंजना बीच पे। और हो गई है शाम यार, मुझे तो लगता है कि ये 6:30 बज गए हैं, तो आज सिर्फ अंजना बीच को एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलो बेकार की वो है ला भाई, मेरी बीयर दो। हाँ गाड़ी पे रखी तो है, तो बोल के तो हम ये रखी है, मेरी बियर वो रखी हुई है आपने संभाल के। तो गाइस आज जो है ना मैंने एक्सपीरियंस किया ये बीरा, ये है वाइट बीरा, जैसे वाइट बीरा जैसे लाइट बियर, और मुझे लगता ही नहीं कि ऐसे बियर का टेस्ट हो। ये जैसे सॉर्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक यार, बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ना किसी कोल्ड ड्रिंक जैसा है। आई मीन दिस इज़ अ कोल्ड ड्रिंक यार, कोई इसमें अल्कोहल कंटेंट जो है वो भी नेग्लेजिबल है, और टेस्ट भी जो है वो बियर लाइक तो लग नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। तो गाइस एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ होती है फिश थेरेपी। यहाँ पे हम जैसे ही पैर अंदर डालेंगे ना, और पैर अंदर डालते ही जितने भी फिश हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ खाना आ गया, और जितनी भी डेड स्किन है ना उसको ये फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। तो दिस इज़ लाइक ए थेरेपी जिसको बहुत से लोग कराते हैं और खुश रहते हैं। तो गाइस अंजना बीच में पहुँचते हम हो गए हैं लेट, और रोशनी बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो कुछ मैं आपको दिखा पाऊँगा ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये ऑन द वे यानी कि अंजना बीच पहुँचने के रास्ते में ना ये है शॉप्स, जिसमें वही टूरिस्ट के अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है जी बैग्स यहाँ पे, एंड दीज आर द डेकोरेटिव पीसेस, यहाँ भी ये सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं। और इसी तरीके से शॉप्स हैं सारी, और सामने हैं, और अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल सामने बीच पर। सामने हमें तो दिख रहा है सी, और आई थिंक आपको भी थोड़ी देर में दिखने लगेगा, क्योंकि कैमरे में जो है ना सारी चीज़ें आती हैं छोटी छोटी। नॉर्थ गोवा इज़ रियली ए हैपनिंग प्लेस फ्रेंड्स, यहाँ पे हर वक्त आपको हैपनिंग्स मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स में बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम पे चलते हुए मिलेंगे, क्राउड भरपूर मिलेगा। दिस इज़ नॉट लाइक साउथ गोवा यार, दिस इज़ अ नॉर्थ गोवा, एक हैपनिंग प्लेस।
कोई ना कोई बीच में मैं मॉर्निंग में जाने वाला हूँ। ओह व्हाट अ क्राउड यार, व्हाट अ क्राउड। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स बिल्कुल फुल ऑफ हैपनिंग्स, फुल ऑफ पार्टी मूड। की हाल है सेठ जी? आप जाओ ना, आप लोग सर पहले पानी के मजे ले लो। अरे भाई साहब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है यार, क्या करें। आ रही है फोटो, इधर से पता चलेगी। ये देखो ऐसे आ रही है, बस थोड़ी बहुत आ रही है। और गाइस गोवा जैसी जगहों पे ना, गोवा जैसी जगह पे ना ये लाइट बियर का मजा भी ऐसा है जैसे आप दिल्ली में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बियर छोड़ो दारू पी लो यार, दिस इज जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक। लेकिन फिर भी मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, आई लव इट यार, आई लव इट। तो गाइस ये थे मेरे सब्सक्राइबर, और जहाँ मेरे को देखते हैं सेल्फी लेने लग जाते हैं, जहाँ मुझे देखते हैं सेल्फी लेने लग जाते हैं। जहाँ देखो एक तो कैमरा देख क्या कर देती है ये, तो कैमरा मैन मेरा बेकार है यार एकदम। वो देखो वो काले जा रही है वो कैमरा। इतने सुंदर सुंदर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। फोटो कहाँ क्लियर आएगी यार। एक बियर के बाद फिर ये भी देखो। तो गाइस अंजना बीच के बाद हम आ गए हैं, आप डिनर कर रहे हैं फैट फिश गोवा। मैं आपको बता दूं कि ये अंजना बीच से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है ना, मतलब जिसे क्रीम रेस्टोरेंट कहते हैं, जिसको खाने का सच में शौक है, तो उसको हर हालत में यहाँ आना चाहिए, हर हालत में यहाँ आना चाहिए। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि हम जो है यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ, इधर थोड़ा सा ठंडक फील हो रही है, और बहुत ही मज़ेदार मौसम है यहाँ पे, बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और थोड़ा सा क्राउड से दूर हम जा रहे हैं अभी एक छोटे से आइलैंड में, और जहाँ पर हम करेंगे अभी स्कूबा डाइविंग। एक्चुअली करकली बीच ये है, लेकिन है ये करकली, करकली नहीं तरकली, तरकली तरकली, सॉरी मैं तरकली को कई बार करकली कह रहा हूँ, अगर पहले भी कहा हो व्लॉग में तो माफ कीजिएगा, तरकली है। बोलो टक्कर, नहीं नहीं तरकली, तरकली बीच। तर होनी है तर, खाने वाली तर। हाँ वो खाने वाली तर, करकली तर खाओ तो तर की होता है। तर होती है तोरी, नहीं तोरी, ककड़ी ककड़ी, हाँ ककड़ी ककड़ी, तो फिर ककड़ी आ गई, फिर मैं कैसे बोलूंगा। यहाँ के बारे में मैं अभी आपको और भी बताऊंगा, और फिलहाल ये मैं देख रहा हूँ MTDC का, यानी कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हट्स। आप यहाँ पर हट्स लेकर रह भी सकते हैं, और इसका किराया अभी मैं पता करके बताता हूँ आपको। कितने कितने का रूम पड़ेगा? 3,500 रुपये, 4,500 रुपये पूरी हट होगी ना? ठीक है, मतलब 3,500 रुपये और 4,500 रुपये, ये दो रेट हैं यहाँ पे हट के। और इंडिपेंडेंट हट मिलेगी आपको, जिसके अंदर किचन भी होगा। किचन भी अंदर बना हुआ? नहीं, खाली रूम है। ठीक है ठीक है। तो ये बीच है दोस्तों करकली का, डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखने वाला है। गोवा के जो बाकी बीचेस हैं बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो चुके हैं, और ये बिल्कुल मुझे नीट एंड क्लीन और रॉ बीच लग रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन है नहीं, जिस हिसाब से नॉर्थ गोवा के बीचेस में है, कि यहाँ जो पानी है ना सी का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीन लग रहा है। जस्ट एक ब्लूइश लुक आ रही है मुझे, वो बिल्कुल सामने ना
अभी वहाँ एक छोटा सा टापू है और वहाँ जाने वाले हैं हम अभी, और वहाँ पे बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं और उन सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम इंजॉय करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम अभी? अच्छा, तो उसके लिए बोट्स का पैकेज लेना होगा ना? सब कुछ दे देंगे ये। अच्छा, 400 रुपये ले रहे हैं पर हेड। ओके, तो 400 रुपये पर हेड में ये पूरा पैकेज देंगे, जिसके अंदर वो हमें वहाँ उस मतलब आइलैंड पे ले जाएंगे और स्कूबा डाइविंग कराएंगे। और कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं सर इतने रुपए में? बस इसमें एक ही है। अच्छा, अभी एक ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि 400 रुपये में स्कूबा डाइविंग की होगी, वहाँ ले जाना और लाना भी बीच में ही है। ये स्कूबा डाइविंग के सिलेंडर्स हैं जो कि हमें पीठ पे लगा कर बीच में स्कूबा डाइविंग करनी होगी। तो गाइस, ये तरकली के बीच पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से एक छोटी सी बोट ड्राइविंग होगी। ओहो हो, बड़ा फन यार। वो जो ठीक है। तो गाइस, स्कूबा डाइविंग के लिए ना हम इस बोट से उस तो उस वाले फोर्ट में जाएंगे हम अभी। बड़ा खतरनाक है ये। हाथ दे दे, हाथ दो ना। वो गिर जाएंगे। एक उस पे रखो, चलो एक पैर ऊपर, ध्यान से धीरे धीरे। ओ वेरी गुड, पकड़ के आना। इस पे चढ़ना भी बड़ा ट्रिकी है यार। पकड़ के चलो मैडम, पकड़ के चलना, गिर मत जाना। हाँ, मेरे तो अभी से गीले हो गए कपड़े भाई। कितनी देर में पहुंच जाएंगे स्पॉट पे? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। या मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स जो है ना फेल हो रहे हैं स्कूबा डाइविंग के। लोग जो है ना प्रॉपर मुंह से पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, जो मास्क है, और प्रॉपर सांस लेने की टेक्निक को थोड़ा सा टाइम लग रहा है सीखने में लोगों को, और बहुत से लोग बीच में ही गिव अप कर रहे हैं तो उनको वापस ले आते हैं पानी के अंदर जाते। या तो घबराहट होती होगी उन्हें, या फिर आई थिंक थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ये लोग पैसे पहले ही ले लेते हैं, आप स्कूबा ड्राइविंग प्रॉपर कर पाओ या ना कर पाओ, ये कहते हैं कि एक बार पानी में अगर आप उतर गए तो आपके पैसे पूरे हो गए, यानी कि 400 रुपीज़ आपके गए, आप करो या ना करो। हमने तो एक बार पानी में आपको उतार दिया, तो ये सीन चल रहा है भाई साहब। अभी तक तो कोई भी प्रॉपर स्कूबा ड्राइविंग नहीं कर पा रहा। अब थोड़ी देर में हमारी बारी आएगी, देखते हैं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं ज़्यादा और अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर पाऊँगा। ये
If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. I'm actually by your side when the sun sets.